नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 PM शो। शो में बड़ी खबर कोलकाता से, जहां TMC सांसद नुसरत जहान BJP नेता, साथ ही अभिनेता राजनेता यशदास गुप्ता को डेट कर रही है, ये खबर सुर्खियों में है। अगली खबर राजस्थान से है, जहां कांग्रेस की अंतर्कलह के बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं महामारी के इस बुरे दौर में आम लोगों की जेब पर पड़ रही महंगाई की मार की खबर से। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें 25-25 पैसे बढ़ा दी है। इससे पहले मंगलवार को कीमतें स्थिर रही। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 95.56 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.47 रुपए लीटर पर बिक रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 4 मई से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करना शुरू किया और केवल 22 दिनों में ही पेट्रोल 5.24 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। इससे पहले डीजल तो 20 दिनों में ही 5.17 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। राजस्थान की राजनीति में 10 महीने बाद फिर से उठे बगावत के सुरों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने पायलट से जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए, ताकि पायलट अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। बता दें कि भंवर जितेंद्र सिंह असम में कांग्रेस के प्रभारी है और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को फायदा हुआ है। वो ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। जडेजा के 386 पॉइंट है, वहीं बेन स्टोक्स 345 पॉइंट के साथ नंबर 3 पर है। वेस्ट इंडीज के जैसन होल्डर इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। भारत के आर अश्विन ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग की लिस्ट में चौथे नंबर पर बरकरार है, उनकी 353 पॉइंट है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी नॉन ब्रांडेड किट में उतरेंगे। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन की कंपनी ली निंग के किट को हटाने का फैसला किया है। अभी किसी दूसरी कंपनी से समझौता नहीं किया गया है। IOA ने हाल ही में 23 जुलाई से होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए ली निंग का किट लॉन्च किया था। चीन के साथ हाल फिलहाल भारत के खराब संबंध को देखते हुए IOA के इस फैसले की काफी आलोचना हुई। खेल मंत्रालय की ओर से भी IOA को ये सुझाव दिया गया कि चीनी कंपनी को छोड़ देना चाहिए। तृणमूल सांसद नुसरत जहान ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी कभी भी वैध नहीं थी, क्योंकि भारत में अंतरधार्मिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की आवश्यकता होती है, जो कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चूंकि विवाह कानूनी, वैध और टिकाऊ नहीं था, इसलिए तलाक का कोई सवाल ही नहीं है। बशीरहाट को लोकसभा सीट से TMC सांसद ने कहा, हमारा अलगाव बहुत पहले हो गया था, लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। आज के शो में इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।